चलिए एक और सीट की बात कर लेते हैं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको कि अब हम बात करने जा रहे हैं गिरिराज सिंह कन्हैया की। बेगूसराय सीट की बात कर लेते हैं, गिरिराज सिंह को रात रात भेजा गया था कन्हैया से लड़ाई लड़ने के लिए, कन्हैया ने बहुत पहले ही टाल ठोक दिया था, मगर आरजेडी और महागठबंधन साथ नहीं दिया। इस सीट पर तनवीर हसन को उतारने का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब तनवीर हसन को भी और कन्हैया को भी इस सीट पर लगभग 42,000 वोट से आगे चल रहे गिरिराज सिंह। बाबा क्या कहता है आपका आंकड़ा? अभी क्या आंकड़ा बढ़ रहा है कि बेगूसराय में 43,000 वोट से गिरिराज सिंह आगे चल रहा है और कन्हैया 22,000 बाल और तनवीर हसन 13,000 पर। और कहीं ना कहीं नमन जी ये बात के फिर एक बार कह जाइए कि एजा लालू प्रसाद के खामियाजा फिर एक बार भोगते पाल बढ़ुए और ये स्ट्रेटजी बढ़ुए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के या फेलियर बढ़ुए कन्हैया के खिलाफ अपन कैंडिडेट उतार करके। लालू यादव की बात की, लालू यादव ने तो कहा ही था कि तेजस्वी यादव और कन्हैया दोनों को मैं आगे चल के नेता बनाऊंगा, मगर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव धोखा खा गए। तेजस्वी यादव ऐसे धोखा खा गए, तेजस्वी यादव के एक कंपटीटर उनका अपना अंदर नजर आवत रहे कि कहीं ना कहीं कन्हैया उनका कंपटीटर के रूप में खड़ा हो जी हैं, ऐसे कन्हैया के विरुद्ध में खड़ा कर। और एक बहुत बड़ा बात ये बोलूँ कि साझा विपक्ष के रणनीति रहे कि मोदी के हरावल यानी कि एनडीए के हरावे के, वो में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के राजनीतिक जो कम अनुभव बा वो काम कैलस और काम कैला के उनका घाटा हो रहा बुड़े। उनका साथ साथ आरजेडी के साथ साथ ये पूरे महागठबंधन के कहीं ना कहीं खामियाजा भुगते। बिहार की 40 सीटों पर 38 सीटों पर कम से कम एनडीए आगे अभी दिख रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन को। बाबा आगे चल के चुनाव बहुत बड़ा एक और है बिहार का, कहीं ना कहीं यहीं पर अगर महागठबंधन ध्वस्त हो जाता तो इसके आगे तो बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एजा से स्थिति शुरू हो गई देश भर में, तो देखते पड़ा कि महागठबंधन के जो बनावे के प्रक्रिया चलता है प्रक्रिया के बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। इसीलिए सपा और बसपा आप कहीं ना कहीं महागठबंधन से बाहर, बिल्कुल सपा और बसपा अलग हो गई, मायावती साथ में ना आई, ममता बनर्जी साथ में आई, चंद्रबाबू नायडू के सारा प्रक्रिया फेल हो गई। और भी देश भर में जितना भी विपक्ष के जो एकजुट करे कर रहे हैं वो सारा स्ट्रेटजी फेल। कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी वालों की मोनोपोली की वजह से अगर कहा जा सकता है घाटा हो रहा है महागठबंधन, गलत नहीं होगा? एकदम बिल्कुल, तेजस्वी यादव के बचपना या उनका कान हो राजनीति कम है, राजनीति कम हो एक साथ साथ सबसे बड़ा काम बढ़ू है कि तू आरजेडी के नेता लोग सुन लो कि लगातार बड़ा बड़ा नेता है बात के कहत रहन कि कहीं ना कहीं ये लोग छोड़ला के और बड़ा नेता के साथ ना ले ला के अनुभव का मैंने फायदा ना ले ला के। नेता उपलब्ध है, लालू यादव के समकक्ष नेता उपलब्ध है मगर उनसे बातचीत की नहीं जा रही है। रघुवंश प्रसाद को अपने पे छोड़ दिया गया है, सिद्दीकी जी को दाव पे चढ़ा दिया गया है, सूली पे लटका दिया गया है और कहीं ना कहीं बाबा इसके वजह से घाटा हो रहा है। बिल्कुल महागठबंधन के घाटा हो रहा है और हमने के जो आकलन के लिए नहीं आया वो आकलन हमने के जमीनी स्तर पर रहा। लेकिन एक साथ साथ एक बात और बताई कि अभी परिवर्तन बहुत कुछ होना बाकी बढ़ू है। अभी प्रथम रुझान 6 राउंड हो चुका है बाबा, बेगूसराय में 6 राउंड का लगभग गणना हो चुकी है, इसके हिसाब से 40,000-42,000 वोट से आगे चल रहे हैं गिरिराज सिंह। एकरा मतलब बा कि कुछ सीट पर जैसे जहां ज्यादा सीट हो गई दरभंगा में बदले रहा, दरभंगा में भी 40-45,000 के रहे, एजा भी चल रहा 43,000 के, अभी बहुत कुछ होना बाकी बा। अभी 10 राउंड से 12 राउंड के और गन्ना बाकी बढ़ुए, लेकिन ये निश्चित बढ़ुए कि कहीं ना कहीं अब ही नजर आवे लागल बा कि तेजस्वी यादव के जो महागठबंधन के डोमिनेट कैले है अपन बात रखवैले है और मनवैले है। बाबा अब तो अभी समझ लीजिए, जब राष्ट्रवाद और एंटी राष्ट्रवाद और विकास की बात हो रही थी और आजादी की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट लग रहा है कि यहां से बेगूसराय जो कि मदर ऑफ ऑल मैचेस था यहां से राष्ट्रवाद हावी हो रहा है। बिल्कुल बात से इनकार ना कर जाइए और कहीं ना कहीं जो गिरिराज सिंह के संस्कृति बढ़ुए, राजनीतिक संस्कृति बा, उनकर जो औरा बढ़ुए, उनकर प्रेजेंटेशन बढ़ुए, ओकरा से जनता कनेक्ट कर। बाबा की एक और भविष्यवाणी थी गिरिराज सिंह यहां से जीतने, बाबा ने कहा था बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कन्हैया कुमार पिछड़ जाएंगे और वही हो रहा है, मगर घाटा हो रहा है। क्यों बाबा घाटा? तो तनवीर हसन ने करा दिया निश्चित रूप से, जितना देश भर से जितना लोग आए रहे कन्हैया के पक्ष में प्रचार कर, वोटर नहीं थे उनके, वोटर ना रहे और सब लोग बात आग्रह के लिए रहा कि मुसलमान लोग वोट मत देवे जबकि मुसलमान एक बड़ा फैक्टर रहा है बेगूसराय में। लेकिन ये बात कहल जा सकेला कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के MOI फैक्टर एजा जनबा हरा, ऐसा हो सकता है कि अब बक्सर की तरह रिपीट हो जाए, जितने वोट सब कन्हैया चुनाव हारेंगे उतना ही वोट तनवीर हसन लाएंगे। बिल्कुल हो सकेला, इसमें कोई दूर नहीं। पिछली बार बक्सर में यही हुआ था, अश्विन चौबे उतने ही वोट से जीते थे जितना के वोट धरन धरवाने पर लाए थे। अब एकदम निश्चित बुझाता हुए अब जो स्थिति बता रहे, जो ट्रेंड बता रहे हुए, वो ट्रेंड में ही हो रहा था कि एजा बेगूसराय की सीट लॉक कर दो बीजेपी के हाथ में। CPI की तरफ से चुनाव लड़ने आए थे कन्हैया कुमार, एक साल पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लालू यादव ने भी कहा था कि उनको चुनाव लड़ाएंगे, मगर अंतिम क्षण में हाथ खींचे पीछे खींच लिया पूरे महागठबंधन, बस तेजस्वी यादव चलते। और ये अगर कहा जा सकता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपको बुरा लग सकता है, मगर तेजस्वी यादव के कम अनुभव की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन पिछड़ रहा है बिहार में। 2 सीटों पर बाबा की भविष्यवाणी लगभग तय लग रही है, बहुत जल्दी मीसा भारती और राम कृपाल यादव जो कि भविष्य कहीं ना कहीं कहा जाता है मोदी सरकार का,
बहुत बार नाक है, केंद्रीय मंत्री है, पिछली बार हराए थे उसी सीट पर मीसा भारती को, और सीट पर लालू यादव भी चुनाव हार चुके हैं, मगर इस बार रामकृपाल कमजोर नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दी हमले कर आ रहे हैं। पाटलिपुत्र का पूरा इतिहास और पाटलिपुत्र से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 2 मिनट में फैसला होगा। बने न्यूज पेपर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।